नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का आपके अपने चैनल किसान बदलेगा में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की एक सबसे अच्छी वैरायटी के बारे में। आइए बात करते हैं, इस वैरायटी के बारे में हम पूरी जानकारी करते हैं, हम बात करेंगे विस्तार में। अगर बात करें सरसों की, तो पूरे भारत में लगभग 7.2 मीट्रिक हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों की खेती की जा रही है। वहीं सरसों की बेहतर वैरायटी और बेहतर उत्पादन के लिए सही वैरायटी का चयन होना बेहद जरूरी होता है। जिस किस्म के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, यह किस्म त्रिमूर्ति सीड कंपनी द्वारा तैयार की गई है। त्रिमूर्ति सीड कंपनी की बात करें तो यह लगभग 7 से 8 सरसों की अन्य वैरायटी भी निकाल चुकी है, उनमें से यह सबसे अच्छी वैरायटी है। अगर हम बात करें इस किस्म के बारे में, तो हम बात करेंगे इस किस्म की समयावधि, उत्पादन, बीज की मात्रा, बुआई का समय, बुआई का तरीका, इसके क्या फ़ायदे हैं, और साथ में हम जानेंगे इस किस्म का नाम, प्रति केजी मूल्य, आप इस किस्म की बुआई किन राज्यों में कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे इसके बीज के लिए आप कैसे प्राप्त करें। अगर बात करें इस किस्म की समयावधि की, तो यह किस्म बेहद 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। वहीं अगर इस किस्म की उत्पादन की बात करें, तो लगभग 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देती है। बात करें बीज की मात्रा की, तो यह लगभग 1 केजी प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। सरसों का उत्पादन आप कैसे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमारे चैनल में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, वहाँ से आपको बेहतर जानकारी मिल सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल किसान बदलेगा को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप तक सबसे पहले अच्छी वैरायटी और नई वैरायटी के बारे में जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। अगर बात करें इसके बुआई के समय की, तो अगेती और पछेती दोनों समय में इसकी आप बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई के लिए आप अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का सही समय चुन सकते हैं। अगर बात करें बुआई के तरीके की, तो आप इसकी बुआई के लिए सीड ड्रिल या छिड़काव पद्धति, उनमें से किसी भी पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको लाइन से लाइन की दूरी लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर बात करें इसके फायदे की, इसके क्या फायदे हैं, तो यह किस्म उत्पादन के मामले में काफ़ी अच्छी पाई गई है। यह किस्म के पौधे की लंबाई लगभग 170 से 180 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म के दाने आकार में बड़े तथा चमकदार होते हैं। इस किस्म के प्रत्येक बाली में लगभग 16 से 20 दाने तक प्राप्त होते हैं। इस किस्म में लगभग 40% तक तेल की उपस्थिति पाई गई है। यह किस्म रोगों के प्रति अत्यधिक सहनशील है। यह किस्म के पौधे गिरने तथा बालियां फटने वाली जैसी समस्या से मुक्त है। अगर बात करें इस किस्म के नाम की, तो इस किस्म का नाम कालिया या TMMD92 नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इसके बीज आपको कितने रुपए प्रति केजी मिलेगा, तो इसके बीज के लिए आप लगभग आपको 300 रुपये प्रति केजी में उपस्थित हो जाता है। वहीं अगर बात करें आप इसकी बुआई किन किन राज्यों में कर सकते हैं, तो इसकी बुआई आप बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि उन सभी राज्यों में कर सकते हैं जहां सरसों की खेती पहले से की जा रही है। अगर बात करें बीज के लिए, तो बीज के लिए आप अपने नज़दीकी बीज स्टोर से ही प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इससे जुड़ी किसी भी समस्या होती है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।